योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव के मुकाबले लीड ले ली है। 25 दिन बाद यूपी के कटहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, फूलपुर, मंचपा, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर में बाई इलेक्शन है। योगी आदित्यनाथ एक एक सीट का रिपोर्ट कार्ड हासिल कर रहे हैं। योगी सभी 9 सीटों का दौरा कर चुके हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यूपी छोड़कर महाराष्ट्र में साइकिल दौड़ाने में जुटे हैं। उपचुनाव वाली 9 सीटें तय करेंगी 2027 और 2029 की रणनीति क्या होगी, यूपी के अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या गुणा भाग कर रहा है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की 9 सीटों पर बीजेपी कैसे लड़ेगी, इसका फाइनल प्लान तैयार हो गया है। विपक्ष के गढ़ में कमल कैसे खिलेगा, योगी ने रणनीति बना ली है। कटेहरी, करहल, कुंदरकी, योगी आदित्यनाथ का फुल प्रूफ प्लान रेडी। यूपी में बाई इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग की तारीख मुकर्रर हो गई है। 9 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को बीजेपी नेशनल चुनाव की तरह लड़ रही है। उपचुनाव में बीजेपी की तैयारी कहां तक पहुंची, किस सीट पर बीजेपी मजबूत है, कौन सी सीट बीजेपी के लिए मुश्किल है, इसकी मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं। लखनऊ में योगी ने उपचुनाव की तैयारियों पर बड़ी बैठक की। मीटिंग में योगी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, जिलों के प्रभारी मंत्री और बीजेपी संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने टीम 30 और संगठन के नेताओं से हर सीट का फीडबैक लिया। टीम 30 में शामिल मंत्रियों ने योगी को चुनावी तैयारियों का रोडमैप सौंपा। विपक्ष की चुनावी तैयारी और प्रत्याशी की स्थिति पर रिपोर्ट पेश की गई। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को गंभीरता के साथ लेती है। इन सभी उपचुनाव में जो 9 सीटों पर अभी घोषित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। आप देख रहे होंगे कि 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे लाइन एडर का मामला हो, हर तरफ उत्तर प्रदेश नंबर एक पर जाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के लोगों का मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। हम प्रदेश की 9 की 9 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। बैठक में योगी ने सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए मंत्रियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी। योगी आदित्यनाथ ने टीम 30 को नामांकन के बाद से वोटिंग तक एक एक दिन का रोड मैप तैयार करने को कहा। मीटिंग में तय हुआ कि नॉमिनेशन के बाद सभी मंत्री विधानसभा क्षेत्र में रुकेंगे और पार्टी की स्थानीय टीम के साथ घर घर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। साथ ही वोटिंग को प्रभावित करने वाले लोगों और जातियों के नेताओं के साथ मुलाकात कर उनका समर्थन हासिल करेंगे। इसके अलावा जो लोग बाहर नौकरी करते हैं उनकी लिस्ट तैयार कर उन्हें वोटिंग के दिन बुलाने का इंतजाम किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी का आंकड़ा 33 सीटों पर ही रुक गया। उपचुनाव में बीएसपी और चंद्रशेखर की पार्टी भी उतर रही है, लेकिन सीधा मुकाबला इंडिया अलायंस वर्सेज बीजेपी का ही है। ऐसे में अब बीजेपी उपचुनाव में बाउंस बैक करेगी। योगी को पता है कि उपचुनाव के नतीजों का असर 2027 के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना वाला नैरेटिव चलाया, वो चल निकला। लेकिन बीजेपी इस बार तैयार है। खुद योगी सभी सीटों पर जा चुके हैं। सरकार के मंत्री लंबे समय से उपचुनाव वाली सीटों पर कैंप डाले हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, लोकसभा चुनाव के बाद उनकी कलई खुल चुकी है। चाहे खटाखट करके महिलाओं को उन्होंने गुमराह किया कि आपके खाते में इतने पैसे आ जाएंगे, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है।
जनता ने इन्हें नकार दिया है। इस बार उत्तर प्रदेश में आप जो उपचुनाव हो रहा है सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कुंदर की जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है। देखिए, हम सबका साथ सबका विकास को लेकर के आगे बढ़े हैं और आप देखेंगे कि सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और हम सभी 9 सीटों पर विजय श्री हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ हर हाल सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करना चाहते हैं। योगी का पूरा फोकस सरकार और संगठन के बीच तालमेल के साथ बूथ मैनेजमेंट पर है। मीटिंग में तय हुआ है कि उपचुनाव को लेकर अब लखनऊ में कोई बैठक नहीं होगी। आगे की बैठक वही होगी जहां बाई इलेक्शन होने वाला है। इन बैठकों में जिला अध्यक्ष और पार्टी के दूसरे नेता शामिल होंगे। वहीं सभी प्रभारी मंत्री अपनी प्रभार वाली सीट पर जाएंगे और तैयारियों को देखेंगे। इसके अलावा बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख को सक्रिय किया जाएगा। देखिए, हम लोग प्रचार पहले से भी हमारे सभी क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम पहले लग चुका है, वो जा चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी जा चुके हैं, महामंत्री संगठन सभी हमारे 9 विधानसभा पर उनका प्रवास हो चुका है और जो भी प्रभारी मंत्री और संगठन के लोग लगाए गए थे वो मंडल स्तर से सेक्टर, जो हमारे शक्ति केंद्र बोलते हैं हम लोग, वहाँ तक की हम लोग के सभी रचनाएं हुई है। बूथ पर पहले से हमारे बूथ अध्यक्ष होते हैं, बूथ प्रभारी होते हैं, BLA 2 होते हैं, हर बूथ पर 3 हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। बूथ की हमारी एक कमेटी होती है 11 लोगों की, सभी लोग बने सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और इस बार हम लोग 9 की 9 सीट जीतेंगे। बीजेपी ने उपचुनाव का रण जीतने की ऐसी प्लानिंग तैयार की है जिसका जवाब देना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ चुनाव वाली सभी सीटों पर 2-2 रैलियां करेंगे। दोनों डिप्टी CM और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की भी 2-2 सभाएं कराई जाएंगी। उपचुनाव में वोटिंग से पहले हर इलाके में पार्टी चौपाल लगाएगी। यहां जनता की समस्या सुनी जाएगी, तुरंत समाधान किया जाएगा। चुनावी सीटों के प्रभारी मंत्री वहां की जनता से सीधा संवाद करेंगे, सरकार की योजनाओं को बताएंगे। पार्टी का फोकस OBC और दलित वोटर्स पर है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का साथ दिया था। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दलित और OBC समाज के बीच जाएंगे और आरक्षण और संविधान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे फेक नैरेटिव का सच बताएंगे। जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें 5 सीट समाजवादी पार्टी और 5 NDA गठबंधन के पास थी। BJP के खाते में 3 सीट थी, 1 RLD के पास थी और 1 पर निषाद पार्टी को जीत मिली थी। कटेहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदर की सीट सपा ने 2022 में जीती थी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी सपा के खाते में थी जिस पर अभी तारीख नहीं आई है। BJP मीरपुर की सीट RLD को दे सकती है क्योंकि 2022 में ये सीट जयंत चौधरी की पार्टी के पास थी। BJP ने कैटेगरी बांटकर उपचुनाव वाली सीटों की तैयारी की है। ए कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां पार्टी मानकर चल रही है कि विपक्षी पार्टियों के मुकाबले उनकी जीत के चांस ज्यादा है। ए कैटेगरी में BJP ने गाजियाबाद, खैर, मंझवा और फूलपुर की सीटों को रखा है। बी कैटेगरी में कटहरी की सीट है जहां मुकाबला 50-50 का है। सी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां BJP को टफ फाइट मिल रही है, इसमें करहल, कुंदर की और सीसामऊ की सीट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की बैठक में मंत्रियों से कहा कि हर हाल में इन उपचुनाव में BJP को अच्छा प्रदर्शन करना है। सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिले में जाएं, वहां कैंप करें। अब लखनऊ में कोई मीटिंग नहीं होगी, उन्हीं जिलों में होगी जहां बाई इलेक्शन होना है। 3 सीट, जो 9 सीट जहां उपचुनाव होने हैं उनमें से 3 सीट BJP के लिए थोड़ी मुश्किल है, वहां ज़्यादा ताकत लगाने की भी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उसमें पहले नंबर की सीट करहल है जहां पर अखिलेश यादव विधायक थे और उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। 1993 से करहल में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। दूसरी सीट कुंदर की है जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर ज़्यादा है, वहाँ BJP 1993 के बाद नहीं जीती है। और तीसरी सीट है कानपुर की सीसामऊ जहाँ पर BJP 1996 के बाद
नहीं जीती है, तो इन तीनों सीट्स पर ज्यादा ताकत लगाने के लिए भी आज मीटिंग में बात हुई। 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव में दलित वोटर गेम चेंजर होंगे। ये जिसके साथ खड़े होंगे उसकी जीत के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी और दलित वोट इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो गया था, उसे बीजेपी बाई इलेक्शन में हर हाल में वापस लाना चाहती है। और 2027 से पहले 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इसका पहला टेस्ट होगा। इसका पहला सैंपल हरियाणा में दिखा। सैनी सरकार ने दलित आरक्षण में कोटे में कोटा लागू करने का फैसला किया। यूपी में भी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इसे लागू कर मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। दलित वोटों की सियासत करने वाली मायावती ने बीजेपी के फैसले पर सवाल उठाए तो जवाब दिया यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने। कहा, बीजेपी की सरकार में समाज के हर वर्ग का विकास होगा। बीजेपी ने यूपी का उपचुनाव जीतने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, तो समाजवादी पार्टी ने 9 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। कटहरी सीट से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी सुभावती वर्मा, मंझवा से सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, करहल से तेज प्रताप यादव, मीरापुर से सांसद रहे कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को टिकट दिया गया है। अब सिर्फ कुंदर की सीट से समाजवादी पार्टी को अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं, नेताओं के करीबियों और रिश्तेदारों को मौका दिया है, उससे बीजेपी हमलावर है। आरोप लगा रही है कि अखिलेश के पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा की जगह परिवारवाद और डी के दलित का मतलब अवधेश प्रसाद हो गया है। अखिलेश यादव लोकसभा की ही रणनीति बनाकर बीजेपी को उपचुनाव में हराना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच ठन गई है। कांग्रेस पार्टी यूपी में 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अखिलेश कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद के अलावा कोई सीट देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस 2 सीट मिलने से नाराज है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जो खैर और गाजियाबाद की 2 सीट दी है, वो बेहद मुश्किल सीटें हैं। इन सीटों पर बीजेपी इतनी मजबूत है कि यहां से समाजवादी पार्टी का खुद चुनाव जीतना मुश्किल है। खैर सीट से समाजवादी पार्टी एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है, जबकि कांग्रेस को यहां से पिछली बार 44 साल पहले यानी 1980 में जीत मिली थी। वहीं गाजियाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार 2004 के उपचुनाव में जीती थी। गाजियाबाद में जीत हासिल किए हुए समाजवादी पार्टी को भी 20 साल हो गया है। वहीं कांग्रेस को यहां आखिरी जीत 2002 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। इसी को लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। यूपी में इंडिया अलायंस एक बार फिर साथ है, लेकिन गठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेताओं को सीट शेयरिंग की जानकारी ही नहीं है। देखिए, मैंने अपना जो प्रस्ताव भेजा था, मैं उस प्रस्ताव पर कायम हूँ और नेतृत्व को निर्णय लेना है। नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसको हम सब लोग मान्य करेंगे, उस पर काम करेंगे। 2 सीटें भी आपके सामने ही हैं, खैर और गाजियाबाद, मझवा फूलपुर और एक मीरापुर। तो ये 5, लेकिन अभी इसमें से तो 3 पे जारी कर दिया उन्होंने कैंडिडेट। अब वो इसलिए मैंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या उन्होंने किया है, पर इतना जरूर मैं बता सकता हूँ, जो मैंने 5 प्रस्ताव दिया था उस पर हम कायम हैं।